नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 25 फीट बाई 48 फीट 1200 स्क्वायर फीट 3 BHK हाउस प्लान। तो दोस्तों, आज की जो प्लान है बहुत ही जबरदस्त है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों को इसका रूम मैनेजमेंट बताऊंगा, फिर उसके बाद सारा डायमेंशन क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है इस बिल्डिंग की फ्रंट पोर्शन, ओके। और यहाँ पर है दोस्तों मेन एंट्रेंस। जैसे ही आप एंटर करें, यहाँ पर देख सकते हैं ये है ड्राइंग रूम। यहाँ पर हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट रखा है, सोफा टेबल वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। आप चाहे तो और भी सामान ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने और एक विंडो रखा है। दोनों विंडो का डायमेंशन है दोस्तों 1000 × 1350 mm का। यहाँ पर हम लोगों ने एक आर्च प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक बेडरूम रखा है। तो ये है इसका डोर, इस साइड ओपन होता है। डोर की डायमेंशन है दोस्तों 900 × 2000 mm का। यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो यूज किया है, यहाँ पर हम लोगों ने और एक विंडो यूज किया है। तो दोनों विंडो का डायमेंशन है दोस्तों 1500 × 1350 mm का। यहाँ पर हम लोगों ने एक अलमीरा प्लेस किया है और यहाँ पर हम लोगों ने एक डबल बेड रखा है। तो दोस्तों, इस रूम को आप गेस्ट रूम के तौर पर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर देखिए, जैसे आप अंदर आए तो ये है दोस्तों डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल यहाँ पर काफी बड़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक डाइनिंग टेबल रखा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 चेयर्स ऐड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर और एक विंडो है। दोनों विंडो का डायमेंशन है 1500 × 1350 mm का। फिर देखिए, यहाँ पर आप स्टेयर देख सकते हैं, यह है दोस्तों डॉगलेग स्टेयर। इस साइड देखिए अप हो रहा है और ये है दोस्तों मिड लैंडिंग। फिर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने किचन रखा है, यहाँ पर विंडो रखा है दोस्तों 1000 × 1000 mm का। और यहाँ पर हम लोगों ने एक आर्च प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर हम लोगों ने दो टॉयलेट एंड बाथ रखा है। यहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम भी है और इसका डोर इस साइड ओपन होता है और इसका डोर इस साइड ओपन होता है। तो दोनों डोर का डायमेंशन है 750 × 2000 mm का, ओके। फिर देखिए, यहाँ पर है दोस्तों बेडरूम। बेडरूम काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने डोर यूज किया है, ये भी है दोस्तों 900 × 2000 mm का। यहाँ पर हम लोगों ने दो विंडो रखा है, ये है 1500 × 1350 mm का। यहाँ पर हम लोगों ने एक डबल बेड रखा है और यहाँ पर हम लोगों ने अलमीरा प्लेस किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने और एक बेडरूम रखा है, तो इसका डोर इस साइड ओपन होता है। यहाँ पर डबल बेड रखा है और यहाँ पर हम लोगों ने अलमीरा प्लेस किया है। यहाँ पर एक विंडो रखा है और यहाँ पर और एक विंडो हम लोगों ने रखा है। तो दोनों विंडो है दोस्तों 1500 × 1350 mm का और डोर है दोस्तों 900 × 2000 mm का। तो दोस्तों, ये है इसका रूम अरेंजमेंट, ओके। अब मैं इसका सारा डायमेंशन बता देता हूँ। तो ये है इसका डायमेंशन, इस तरफ है दोस्तों 48 फीट और इस साइड है दोस्तों 25 फीट, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों ड्राइंग रूम। इस साइड है 11 फीट 1 इंच और इस साइड है दोस्तों 12 फीट 1 इंच। फिर देखिए, बेडरूम यहाँ पर है, इस साइड है 11 फीट 1 इंच और इस तरफ है दोस्तों 11 फीट 8 इंच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्टेयर केस है, डॉगलेग स्टेयर केस। तो स्टेयर केस की विड्थ है 3 फीट 3 इंच और इस साइड है दोस्तों 3 फीट 3 इंच और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है 7 फीट 7 इंच, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके। और फिर इसके बाद देख सकते हैं, किचन है दोस्तों 6 फीट और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 11 फीट 8 इंच, ओके। फिर देखिए, टॉयलेट एंड बाथ दोनों ही है 6 फीट 5 इंच बाई 4 फीट 2 इंच, ओके। और इसके बाद है दोस्तों बेडरूम। तो बेडरूम आप देख सकते हैं 11 फीट 11 इंच इस तरफ एंड 13 फीट इस तरफ। यहाँ पर है दोस्तों और एक बेडरूम, ये भी है दोस्तों 11 फीट 11 इंच इस तरफ एंड 13 फीट इस तरफ, ओके। फिर देखिए, जो डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल काफ़ी बड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 12 फीट 1 इंच और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 22 फीट 3 इंच, ओके। और दोस्तों, स्टेयर पोर्शन पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो वॉल है ये कंसीडर किया है, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को प्लान पसंद आया है। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।